बहुत नया डिश है गाइस। मुझे पीछे से काफ़ी आवाज़ आ रही है, कुछ अलग सी आवाज़ आ रही है, पता नहीं क्या होगा रात में यहाँ पे। अगर गाइस आप लोग मेरे ब्लॉग देखते हो और मोटिवेट होते हो कैंपिंग करने को, तो गाइस प्लीज अगर आप नागपुर के आसपास के जंगलों में कैंपिंग करते हो तो संभल कर करना, क्योंकि ये जंगलों में टाइगर्स भी छोड़े गए हैं कहने में आता है। मुझे खुद को डर लगता है, बट अभी क्या करें, कहीं ना कहीं घूमने की जाने की इच्छा ही होती है। और अगर आप जंगलों के आसपास में करना चाहते हो कैंपिंग, तो जो लोकल लाइट्स रहते हैं कहीं पे भी आपको दिखते हैं, तो उनके आसपास में कैंपिंग करना, जिससे आपको कभी तकलीफ ना हो। काफी मजा आती है इस कैंपिंग में, सेफ्टी मैटर करता है, बस हमें कुछ होना नहीं होना, क्योंकि कैंपिंग करना इतना भी आसान नहीं है जितना आपको दिखता है। बहुत ज्यादा रिस्क होता है। मेरा हाथ यहाँ पे कट गया, आपको दिख रहा होगा, तो कटना वटना ये सब तो बहुत नॉर्मल चीजें हैं, बट सबसे बड़ा रिस्क होता है अगर आपको कोई एनिमल आपके सामने आया तो आप करोगे क्या। मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूंगा, बट अगर आपको पता है तो कमेंट में बताना कि हमने करना क्या चाहिए। नागपुर के 20 किलोमीटर के दूरी पर ही आपको ये सब व्यू मिल जाएगा। यहाँ पर भी हम कैंपिंग कर सकते हैं, अगर ग्रुप के साथ आए तो यहाँ पर भी एक नंबर कैंपिंग कर सकते हैं, बट ये सब जंगल साइड आता है, इसलिए परमिशन ये सब चीजों का नॉलेज रहना जरूरी है। ये सब जो पेड़ आपको दिख रहे हैं सागवान के पेड़ है, इससे बनते फर्नीचर और काफी महंगा रहता है ये जो सागवान, और काफी मजबूत और काफी अच्छा रहता है। भाई पेट्रोल खत्म, गाड़ी रिजर्व पे लग गई, पेट्रोल तो था यार इसमें, रिजर्व पे देखते हैं। काफी सी जंगल है कैसे, रात में बिल्कुल भी कोशिश मत करना ये रोड से आने की, क्योंकि भाई दिन में रात की फीलिंग आ रही है मुझे, तो रात में काय की फीलिंग आएगी पता नहीं। तो आज के कैंपिंग के लिए अपने को यहाँ पे स्पेस मिली है और काफी अच्छी जगह लग रही है। यहाँ पे अपन स्पेंड करने वाले हैं आज की रात, पता नहीं कैसी होगी बट मजा तो बहुत आ रही है मुझे कैंपिंग करने में नागपुर के आसपास में। तो यहाँ पे अभी अपन डालने वाले अपना टेंट और फिर कुछ खाते हैं, क्योंकि लगी है अपने को भूख।
सो ये टूट गया भाई लोग अपना, यार अभी ऐसा हो जाता है तो मैं कहीं खड़े नहीं रख सकता हूँ अपना कैमरा, आई हैव टू होल्ड दिस। सो इसमें डालना है अभी अपने को एक जो अंडे है इस डब्बे में, जिसको हमने बहुत सेफली रखे है जिससे वो फूटे ना। सो ये एक जो है इसमें यार एक क्रैक वाला था, क्रैक वर्जन था, एक क्रैक वर्जन वो निकलना है अपने को। कहा गया क्रैक है, ये थोड़ा बहुत क्रैक है तो ये हम फूट सकते हैं। एंड दिस वन गुड, बाकी के रख देते हैं, इमरजेंसी में काम पड़ेगा अपने को। अंधेरा भी होने वाला है, अपने को बहुत जल्दी बनाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा और क्लास की नींद लेना पड़ेगा। बाकी ब्रेड है अपने पास तो अपन एक और ब्रेड खाएंगे और खा के सो जाएंगे भाई, क्योंकि बहुत थक गए आज, भूख भी बहुत लगी है अपने को भी। यहाँ पर जा रही है मिर्ची पाउडर और यहाँ पर जाएगा थोड़ा नमक, और ब्रेड को डाल देते हैं इसमें ऐसे, इसमें ऐसे निकल रही, निकल निकल निकल, हाँ फिर ब्रेड को पलटा देते हैं ऐसे। सो ये काफ़ी नया डिश बन गया है गाइस, ये आपने भी खाया नहीं होगा कभी। कुछ भी बनाने की कोशिश करते हैं तो भाई जो भी बनता है ना भाई, भूख लगे या तो बहुत टेस्टी लगता है। नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया भाई, बहुत टेस्टी था जो बनाया मैंने, मजाक नहीं कर रहा। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो ट्राई कर लेना, पता नहीं बनाते बनाते एक नई डिश बन जाती है। और यहाँ पर आपको देखो मंकी वगैरह सब है भाई, और मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एनिमल्स वगैरह भी आने की पूरी रिस्क है। बट मुझे बर्तन धोना है और अंधेरा होने को ज़्यादा समय नहीं है अभी, मैं ये बर्तन धो लेता हूँ। तो ये थोड़ा क्लीन पानी दिख रहा है अभी यहाँ पे, तो गाइस यहाँ पर टाइगर भी आते हैं जब उनको प्यास लगती है, इसीलिए अगर आप यहाँ कहीं आते हो जंगलों में तो थोड़ा संभल के रहना। मैं कुछ स्पॉट्स के नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी पता नहीं और कुछ कम ज़्यादा ना हो जाए। बाकी ये पानी जो फ्लो हो रहा है काफ़ी सुंदर लग रहा है। ना स्टैंड टूटने की वजह से मुझे ऐसा शूट करना पड़ रहा है, एक हाथ से धोना एंड ऑल, क्योंकि रखने के लिए कुछ ऑप्शन नहीं है अभी कैमरा। और गाइस अंधेरा बहुत जल्दी हो सकता है अभी, इसलिए यहाँ से जल्दी निकलना ही सही रहेगा। आप ये मिट्टी को ही स्क्रबर बना सकते हो, ये मिट्टी साफ रहती है, इसको ऐसे से आप इसमें हिलाओगे तो ऑयल जो है ये सब निकल जाएगा। अगर आप जंगलों में ऐसे घूमते हो गाइस तो अंधेरा में बिल्कुल घूमने की कोशिश मत करना है। देखो कुआं है यहाँ पे, कोई भी गिर गया तो समझो गया। तो इसीलिए अगर आप अकेले कोई नए जगह पे जा रहे हो तो अंधेरे में तो कोशिश मत करना, फिर दिन दिन के लाइट में घूम लेना। अब मैं अंधेरे में निकलूंगा नहीं बाहर, अब जो मैं टेंट में जाकर रेस्ट कर लूँगा तो पता नहीं मैं कब निकलूँगा, शायद सुबह क्यों ना निकलूँ। तो ऐसा चल रहा है अपना ब्लॉग, होप्स आपको पसंद आ रहा है, पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, नहीं पसंद आ रहा होगा तो मत करना। मिलते जल्दी पता नहीं कहाँ, बट मिलेंगे ज़रूर। बाय बाय, टेक केयर। बट मुझे पीछे से काफ़ी आवाज़ आ रही है, कुछ अलग सी आवाज़ आ रही है, पता नहीं क्या होगा रात में यहाँ पे।